बाद क्या कहते हैं 29 सोमवार को आपकी विलादत थी और 29 से आपको जनाब मुतालिक का जिक्र आ गया। बहरहाल लोग कहते हैं कि सुनने पे आए तो मुसलमान कान में कही हुई बात भी सुन लेते हैं, वरना न सुनने पे आए तो फिर कितनी ही आवाज़ बुलंद कोई बात हो सुनना ही नहीं देती। जबकि दिन का उजाला है, पैगंबर बुलंद तरीन मकाम पर है, पालाने शुतर का मिंबर है, वहां से ऐलान कर रहे हैं मन कुन तो मौला हो सुनने पे आए तो वो जो कान में कह रहे हैं पैगंबर के आप कलमा पढ़िए नौज क्या ज़हनियत है, ताज्जुब होता है इंसान भर के कैसी कैसी फिक्र रखते थे लोग। वो दौर में ही नहीं बल्कि आज भी रखते हैं। आज भी गुस्ताखी करने वाले ने गुस्ताखी की और कल गिरफ्तार हो गए। ये भी कुछ खबरी दे दूँ कि कल वो गिरफ्तार हो गए, खुदा उसे वासिले जहन्नम करे और सब दुनिया व आखिरत में उस पर अज़ाब नाज़िल करे। वो मलून जिसने जनाब शहजादी कौनैन से मुतालिक गुस्ताखी की, जिसने जनाब मुतालिक से मुतालिक गुस्ताखी की, बहरहाल ऐसा मलून ज़ाहिर है कि ये हर दौर में रहे हैं, मगर आज के दौर में है तो आज के दौर के मोमिन को इतना हक तो है कि आप भी अपनी आवाज़ एहतजाज के तौर पर दर्ज करवाएं। कोई ये न कह सके कि आप उसके मुखालिफिन में से नहीं थे, तो मुखालिफत हमने यूं जिक्र करके अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवा ली, आपने सुन के मैंने बयान कर इतना तो कह सकते हैं कि हम उसकी ताईद में नहीं थे, हमने आवाज एहतजाज बुलंद की, हमारा जितना इख्तियार दायरे के हुकूमतें हैं और मुल्क अलग है और सारी बातें हैं, वो सब बातें बहरहाल जिक्र करने की नहीं है, इन तमाम तफसीलात में जाना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि चूंकि मलहून ऐसे बहुत से लोग हैं, एक ताईद करने वाला जाकिर भी था हामिद सुल्तानी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया, उसे क्यों, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा कि ऐसे मलहून को सजा देनी चाहिए और इसने बड़ा जुल्म किया है हमारी शहजादी पर। बैनुलमुस्लिमीन इत्तेहाद, इत्तेहाद की आवाज़ें तो बुलंद होती हैं मगर ये क्या, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उनको गिरफ्तार कर दिया कि माहौल ख़राब हो रहा है। तो माहौल ये सब मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हर बात आपके इल्म में होनी चाहिए, ताज़ा तरीन वाक़यात आपके इल्म में होने चाहिए ताकि जवाब दिया जा सके। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके गिरफ्तार देखिए मजलूम का सब रंग लाता है इस रोम। मैं एक और इशारा करूँ, एक मजरूम कासिम सुलेमानी थे, याद है आपको, जिनको शहीद किया गया तो आज सारी दुनिया परेशान है और बिलखसूस वो मुल्क ज्यादा परेशान है कि जिसने उनको शहीद किया। तो मजरूम का सब रंग लाता है जरूर, वो मजरूम को गिरफ्तार किया गया और दूसरे ही दिन ये खबर आ गई कि कासिम सुलेमानी भी चूंकि अशरफ जलाली इसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो बहरहाल ये अजीम मरहले हैं, इनको गौर करना चाहिए, वक्त के साथ साथ आपको भी रहना है, ज़्यादा आप वक्त से गाफिल ना हैं। आइए मैं गुफ्तगू का आगाज करूँ, ये चाहता था कि इमाम पर गुफ्तगू करूँ, बात से बात पैदा होती है, लिहाजा मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में कि सिन के एतबार से मनसब, अब ये चूंकि मौका था कि आप 7 बरस के सिन में यतीम हो गए तो आप मनसब इमामत का फायद हो गए, वरना तो बहुत से अइमा ऐसे हैं कि जिन्होंने सिन बुलूग के बाद, ज़ाहरी तौर हमारे और आपके लिए ये सब बातें हैं, वरना उनके लिए ये सब बातें जहन में भी नहीं लाने चाहिए, सिन के एतबार से कोई आधे उम्र में मनसब इमामत का फायज हुआ है, जैसे चौथे इमाम है, जैसे इमाम हुसैन है, जैसे इमाम हसन है, ये सब अपने एक सिन के बाद मनसब इमामत का फायज, हालांकि हैं इमाम
ظاہری طور پر منصب ان کو منصب امامت ملا, ان کا حکم چلے گا, امام حسین ساتھ ہیں, مگر حکم امام حسن کے آگے آپ کا حکم نہیں چلے گا. آپ بھی منصب امامت میں امام حسن کی آئیں گے. ہیں دونوں امام ایک وقت میں, مگر بات مانی جائے گی امام حسن کی, امام حسین سننے والے ہوں. اتنی بڑی بات ہے, دو امام ایک وقت میں موجود ہیں, مگر ایک کے پاس چونکہ منصب نہیں ہے, منصب کا اظہار کرنے کا موقع ابھی نہیں ہے. منصب امامت پر امام حسن فائز ہیں, لہذا امام کا حکم چلے گا, امام حسین اس کی اطاعت کرے گا. بہرحال تو اس طرح منصب پر جب فائز ہو گئے تو اب علم میں امامت کا اظہار ہونا تھا. تو یہ سارے واقعات ہیں, جو واقعات ہیں امام کی زندگی کے بہت سے تفصیلی واقعات ہیں. میں نے کل ایک واقعہ بیان کیا تھا, آج ایک واقعہ بیان کیا کہ جس وقت بلایا گیا امام کو, دیکھیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسی معصوم کے قتل کا کوئی مرتکب ہو جائے, جیسے یزید ہوا تھا, قتل امام حسین کے بعد کوئی قتل اس کو چین نہیں پڑتا, کیونکہ معصوم امام کا قتل کیا ہے تو کوئی قتل چین نہیں پڑتا تھا. اسی طرح مامون کو بھی کوئی قتل چین نہیں پڑتا. تو اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا, حکما نے اس کو مشورہ دیا کہ سیر و سیاحت کر تاکہ تیرا دل بہل جائے. تو وہ اکثر شکار میں جاتا تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اب جو وقت کے امام ہیں ان کو اپنی نگاہ میں رکھ, اپنی گرفت میں رکھ, تاکہ کوئی تیرے خلاف انقلاب نہ پیدا کر دے, کوئی فوج نہ تیار کر دے. حالانکہ کربلا کے بعد کوئی جنگ نہیں, کسی امام نے جنگ نہیں کی بظاہر. تو امام سے یہ کہا گیا, امام کے لیے کہا گیا کہ امام کو بلا کے اپنی نگرانی میں رکھ, تاکہ کوئی تیرے خلاف منصوبہ بند سازش نہ ہو سکے. چنانچہ امام بلایا گیا بغداد سے. امام سات برس کا سمے آئے ہیں بغداد, تو سرے راہ امام کا مشغلہ کھیل کود نہیں ہوتا. اکثر یہاں غلطی ہوتی ہے خطاب کرنے والوں کی کہ امام کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیل کود امام کا مشغلہ نہیں ہے. امام کا کھیل کیا ہوتا ہے میں بیان اسی واقعے سے کہ امام کچھ بچے کھیل رہے تھے, امام باہر کھڑے تھے. کتنے میں بادشاہ کی سوال مامون خدا لانے کرے اس پر شکار کے لیے چلا ہوں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کھڑکی بند کر دو, کھڑکی بند کر دو. شکار کے لیے چلا, اور جب اس میں اس کا روب اور دبدبا بچوں نے دیکھا. تو اس لیے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر معصوم بچے ہوں تو کسی بھی شان و شوکت دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو اس کی سواری کی شان دیکھی اور لوگوں کا اتحام دینا, تو بچے کو کھیل چھوڑ کے بھاگ جاتے. رحمان جہاں کھڑے تھے کہ اسے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. امام جہاں کھڑے تھے کھڑے تو وہ سواری کے لے کے قریب پہنچا. اس نے دیکھا کہ کون ہے, کہ اور بچوں کی طرح آگ نہیں گئے. رک کے پوچھا کہ صاحبزادے دوسرے بچے آپ کے ساتھ جو تھے وہ سب چلے گئے مگر آپ. تو امام نے تین جواب دیے. کیا جواب دیا؟ میرے یہاں کھڑے ہونے سے اتنی جگہ تنگ نہیں ہے کہ تیرے راستے میں میں حائل ہو رہا ہوں, تیری سواری تو گزر سکتی. دوسری بات یہ فرمایا کہ بغیر کسی قصور کے میں نہیں سمجھتا کہ تم اگر بادشاہ وقت ہے تو کسی کو سزا دے گا. امام کا جواب ہے, اس نے یہ سوچا کہ کوئی عام بچہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایسا جواب دے. عام بچوں کا شعور تو وہ ہو نہیں سکتا, جبکہ دوسرے بچے تو بھاگ گئے ہیں ڈر کے مارے, خوف کے مارے, ہیبت کے مارے, مگر یہ بچہ عجب انداز سے جواب دے رہا. تو یہ سواری کو لے کے آگے بڑھ گیا.
तो आगे बढ़ गया, यहाँ तक के शिकार किया और समझ गला था, वापस आने लगा। वापस आ रहा है तो अब वो वापस जो आ रहा है उसने अपने हाथ में एक शय रखी हुई, और आने के बाद सवाल करता है कि फिर वही वाक्या, फिर वही दोहराया गया। फिर बच्चे खेल रहे थे, इमाम वहाँ खड़े थे, और जब वो सवारी गुजरने लगी तो बच्चे भाग गए, इमाम वहीं खड़े का साहब जाते ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या शय। तो होना ये चाहिए था कि जवाब दे देते कि तेरे हाथ में ये शय है, मगर इमाम ने अपने इल्म गैब को साथ के 7 बरस का सिन है सर। अब हमारे दरमियान में भी ये बातें होने लगी हैं कि मासूम को इल्म गैब नहीं होता, जो बताए अल्लाह उसी का इल्म होता है। इल्म गैब भी होता है, गुजरा हुआ भी ज़माना जानते हैं, हाल भी जानते हैं, मुस्तकबिल भी जानते हैं। इमाम के इल्म से कोई चीज़ खाली नहीं है। ऐसे ही है सारी कायनात का नक्शा, जैसे कि आपके सामने आपका हाथ, ऐसे ही पूरी कायनात इमाम के सामने हो। तो इमाम उसका जवाब देते, चुनांचे उसने जब सवाल किया कि मेरे हाथ में क्या शय है, तो इमाम ने कहा कि एक बादशाह वक्त कि जिसकी तबीयत कुछ ख़राब रहती है तो उसके वज़रा उसके हुक्मा उसको क्या मशवरा देते हैं कि शिकार पर जाया कर, सैर व सियाहत कर, ताकि तेरा दिल बहल जाए। तो अपने साथ वो बाज लिए हुए चलता है, और बाज को शिकार के लिए हवा में छोड़ता है, इसलिए छोड़ता है कि एक जानवर का शिकार करके आए तो बाज जब उस जानवर की तरफ बढ़ता है तो वो तो भाग जाता है, तो वो बाज खाली हाथ वापस न लौटे इसलिए हवा में एक मछली का बच्चा के जिससे दायरे के ये वो सारी बातें साइंस से ताल्लुक़ रखती है, हालांकि इमाम ने बताया है साइंस से ताल्लुक़ रखती है कि होता ये है कि जब पानी में गर्मी जब बढ़ जाती है तो पानी में से कुछ मछलियाँ उछलती हैं तो हवा में मुअल्लक़ हो जाती हैं, और हवा में जब मुअल्लक़ हो जाती हैं तो उनको पकड़ के बाज अपनी चोंच में एक छोटा सा मछली का बच्चा लेके आता है, तो बाज से उस मछली के बच्चे को अपने हाथ में रख के बादशाह उनसे सवाल करता है कि हमारे हाथ में क्या। जवाब क्या होना चाहिए था, तेरे हाथ में मछली का बच्चा था। मगर पूरा वाकया बयान करने का क्या मकसद है, बताया ये कि जो कुछ तुम हमसे छुपा रहे हो वो भी हम जानते हैं, किस मकसद के लिए चले हो और क्या तुम्हारा मंशा था, और किसके लिए शिकार पे बाज को छोड़ा था, और क्या शिकार करके बाज लेके आया, उसे अपने हाथ में रख के हमसे सवाल कर रहे हो, हम तुम्हारा इल्म जानना चाहते हैं। तो जैसे जवाब दिया बच्चा कोई खास, पूछा साहबजादे आप कौन है, मैं मोहम्मद। कौन मोहम्मद? मोहम्मद ने अली। तो इमाम ने जब ये जवाब दिया उन्होंने कहा साहबजादे चलिए, मैं आप ही के मुंतजर था, दरबार में लेके आया, और जब दरबार में लेके आया तो बड़ी सबकी बड़ा ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर ये इल्म देखने के बाद इससे मैं ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी उम्र फजल से, जो मदूना जिसने इमाम बताया उम्र फजल से आपका आप करना चाहता हूँ। तो उसके कबीले के उसके दरबारी सब लोगों ने इतराज़ किया कि क्या कर रहा है, तो बच्चे से इस मदूना ये बिल्कुल तमसिन है और आरे के ये इल्म में क्या है क्या नहीं है। अब बादशाह की बेटी है, चाहे सारी चीज़ें तो देखी जाती है, आम आदमी देखता है बादशाह की बेटी। तो उन्होंने कहा मैं तो इम्तिहान ले चुका, अब जिसको इम्तिहान लेना है वो ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कोई आम नहीं है। असल मकसद ये था, अच्छा वो मैंने जो बात कही थी आपसे कि इमाम का खेल क्या होता, इमाम का खेल वहाँ चूँकि वाकई में जुज था वो
मैं छोड़ के आगे बढ़ गया, इसलिए मैं वो चुस्त का बयान कर दूँ पहले कि जिस वक्त ये मलून शिकार करके आ रहा था, उस वक्त इमाम एक बकरी के बच्चे से कह रहे थे कि सजदा करो, बकरी का बच्चा और वो सजदा कैसे करेगा? ज़ाहरी तौर पर आपके हमारे समझ में क्या, बकरी का बच्चा सजदा करे? तो ये इमाम का मशगला होता है कि किसी को खुदा की बारगाह में सजदा करवाते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, कहने सुभान अल्लाह, ये इमाम का मशगला होता है। वाह वाह। उसने पूछा ये आप क्या कर रहे हो? तो कहा मैं इससे कह रहा हूँ, चूंकि उसे शक ना हो, उसे शक ना हो कि मैं कोई मनसबे इमाम का फायद हूँ, मैं मंसूस मिल रहा हूँ, अब मेरे इल्म को देख के कहीं रोक में ना आ जाए, तो बचपने के भी तकाजे को जाहिर किया उसके सामने, बचपने के भी तकाजे को उसके सामने जाहिर किया। इस वाक्य का जुज है ये कि मैं बच्चा ही हूँ, मगर ये कि मंसूस मिन अल्लाह हूँ, तो मेरा काम मेरा खेल ये है कि मैं सजदा करवाता हूँ इस सिन में भी सही, इस सिन में जबकि मेरा सिन कुछ बचपने का है जाहिरी तौर पर देखने वालों के लिए, मगर मेरा खेल मेरा मशगला ये है कि मैं खुदा की बारगाह में सजदा करवाने वाला हूँ। मैं खुद तो सजदा करता ही हूँ, मगर खुदा की बारगाह में जानवरों से भी सजदा करवाता हूँ। इमाम ने ये वाकये में ये वाकये का जुज है जिसे आमतौर पर अब जैसे मैं भूल गया उसी तरह आगे भूल के खिताब करने वाला बाहर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आगे की बातें सारी तफसीली है इसलिए आगे बढ़ जाता है। तो चुनाचे मैंने ये वाकये का मैं इसलिए मैंने हमदन बयान किया फिर वापस जाके कि इस वाकये का जुज है ये, और मैंने कभी बयान नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे फिर वापस जाके बयान करके आगे बढ़ूँ। चुनाचे जब दरबार में आ गए तो ये हुआ कि मुनाजरे रखवाए, और कई मुनाजरे हैं, सारी तफसीलात हैं, मैं वो सारी तफसीलात को बयान नहीं कर सकता। एक वक्त ये हुआ कि इमाम के सामने 16,000 मैंने कभी ये रवायत बयान की है, जो लोग थे वहाँ बारे खातिर हो जाएगा, मगर ये इमाम का जिक्र है तो कोई बात नहीं है, जहन में मैं ताज़ा हो जाएगी बात, इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ फिर दोबारा, क्योंकि बहुत से लोग उस वक्त कल की मजलिस में नहीं थे। तो 16,000 सवाल करने वालों की खताब, एक दो आदमी नहीं है, 16 आदमी नहीं है, 16,000 आदमी सब सवाल करने के लिए आए। इमाम से कहा गया कि आप इनके जवाब देंगे, इमाम ने कहा एक ही निश्चित में होगा, एक ही निश्चित में, यानी एक ही वक्त बैठूंगा और सबके जवाब दूंगा, सबके सवाल खत्म न होंगे, मैं महफिल पर खास नहीं। तो ये होता है साहिब इल्म के जो जवाब देने पर आए तो फिर सबके जवाब दे, बल्कि इनके बाबा ने ये तो साबित किया है इसी मलून के दरबार में कि जो जिस किताब का होगा, जिस किताब का मानने वाला होगा, मलून के दरबार में इमाम रदा का सारा मुनाजर आप सबके इल्म में है, जवाब दिया इमाम ने भी जवाब दिया। एक शख्स खास तौर पर ज़ैद इब्ने अक्सम ये नाम याद रहे, उससे दरबार में बुलाया, नजर आओ इमाम है 7 बरस के, वो है 70 बरस का, इल्म में माहिर है, यहूदी है। उसने आने के बाद कब मैं सवाल करना चाहता हूँ साहबजादे, आप सवाल करोगे पहले या मैं सवाल करूँगा? तू जो मुनासिब समझे, तू जो मुनासिब समझे, अगर मुझसे कहे कि मैं सवाल करूँ तो सवाल करूँगा, अगर तू खुद सवाल करना चाहते हो सवाल कर ले। तो उसने कहा मैं सवाल करूँगा, आप सवाल कर। तो उसने कहा ये बताइए कि हालत एहराम में, अजीब अंदाज का सवाल और सवाल सुनने के काबिल, हालत एहराम में
कोई शिकार कर ले तो उसका क्या सफा। इमाम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा तेरा सवाल दुरुस्त नहीं। क्या मतलब? कर तेरा सवाल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि सवाल में कई सवालात हैं। अब इमाम ने जो सवाल कायम किया, पहले ये मैं बता दूं कि एहराम बांध के ही 25 चीज़ें हराम हो जाती हैं। हज का एहराम अगर कोई बांध ले तो 25 चीज़ें उस पर ऐसी मसाल नहीं है हराम हो जाती हैं। उम्रे के लिए 21 चीज़ें हराम नहीं होती, बात चीज़ों में एहतियात है, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हैं, वो सारी तफसीलात हैं उसके अलग अलग। और उसमें कुछ अहकाम हज के और उम्र के मिले हुए, हालत एहराम हज का हो तो उम्र का हो क्या क्या मसाइल हों, उस पर बहुत सी बातें हैं। तो इमाम ने कहा पहले तो तेरा सवाल ही गलत। तो क्या मतलब? इमाम ने कहा ये बता कि वो एहराम हज का था या उम्र का। वो एहराम हज का था या उम्र का था, और वो एहराम जिसने बांधा था वो बालिग था या कमसिन था। क्या कहने, क्या कहने? दो सवाल। इमाम ने कहा वो हुदूद हरम में उसने शिकार किया था, क्योंकि हुदूद हरम में शिकार करने का कफारा अलग है, हुदूद हरम के बाहर शिकार करने का कफारा अलग है। इमाम ने कहा हुदूद हरम में शिकार किया था या हुदूद हरम के बाहर, और अगर हुदूद हरम के बाहर भी शिकार किया था तो उसने चरिंद का शिकार किया था या परिंद का। उसका कफारा अलग है, इसका कफारा। और परिंदों में अगर शिकार किया था तो बड़े परिंदे का किया था या छोटे परिंदे का, चरिंद में अगर किया था तो बड़े चरिंद का शिकार किया था या चींटी का शिकार किया था। अब कितने सवाल इमाम ने कायम किए? 13 सवाल कायम किए। 13 सवाल करके अब कौन इन बातों को जाने? वही जाने कि जो शरीयत बनाने वाला हो या शरीयत बनते हुए देख रहा हो। इमाम ने जब ये जवाब दिया तब जाहिर है कि जैद की तो हालत बुरी थी। एक सवाल किया तो एक सवाल में इतने सवाल कायम किए गए। उनका मैं कुछ नहीं जानता इस बात, कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि हालत एहराम में शिकार करे तो क्या कफारा होना चाहिए। मगर आपने इतने सवाल कायम कर दिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इमाम ने कहा जब कुछ नहीं जानता मेरा सवाल का जवाब हक रखता हूँ, मैं कोई सवाल करूँ आपको जवाब दे तो तब पूछिए, अगर मैं जानता हूँ तो बता देंगे। अब और क्या कर सकता था वो? इमाम ने अपने इल्म से वो सवालात कायम किए कि दुनिया में कोई जवाब दे नहीं सकता सिवाय उसके कि मैंने जैसा आपसे अर्ज किया, या तो शरीयत के नाफिज करने वाले हो या शरीयत नाफिज हो रही थी ये सामने थे, कानून इलाही बन रहा था ये सामने थे, या इन्होंने कानून बनाया या ये बनते हुए देख रहे थे, वही बता सकता है, वही सवाल कायम कर सकता है। जब ये इमाम ने कह दिया तो अब रोब का आलम यह है कि सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आपकी तरह नहीं, आप तो बिल्कुल तो इमाम ने कहा मेरे सवाल का जवाब कुछ ही अगर जानता हूँ तो बता, और आजीजी के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं। आजीजी ही है, इससे ही इंसान अपनी हदों को पहचानता कि उसकी क्या हद, और अगर कोई इज से बाहर हो तो वो मजहरुल अजायब होता है। वाह 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 वाह, वो मजहरुल अजायब होता है। इमाम ने सवाल किया ये बता, एक औरत जो सुबह की नमाज के वक्त उस पर हराम थी, दोपहर में हलाल हो गई,
नमाज ज़ोहर पे हलाल हो गई, नमाज असर पे फिर हराम हो गई, नमाज मगरिब पे हलाल हो गई, नमाज ईशा पे फिर हराम हो गई, रात में फिर हलाल हो गई। मैं ऐसी कोई औरत को जानता ही नहीं था। क्या कहता यही तो है का इमाम ने जवाब दिया, इमाम का जवाब आए हम और आप क्या जानते इमाम इमाम हमारे बोले। यूँ तो हर इमाम की ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हैं, हर इमाम के मौजू पे एक एक मजलिस होनी चाहिए कि जो मुफस्सल इमाम ही की गुफ्तगू, इमाम ही पर गुफ्तगू। ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको दुनिया हैरान हो जाए, किसी के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। ऐसी कोई औरत का जवाब हो सकता है कि जो नमाज फजर के वक्त किसी पे हराम थी, ज़ोहर में हलाल हो गई, वो कनीज थी अल्लाह की जिसे खरीद लिया एक शख्स ने, नमाज सुबह के वक्त देखा तो हराम थी, खरीद लिया कीमत दे के, ज़ोहर के वक्त तो हलाल है उसके लिए, असर के वक्त उसे आज़ाद कर दिया हराम हो गई, मगरिब के वक्त उसे खरीद लिया फिर हलाल हो गई, ईशा के वक्त फिर उसे राह खुदा में। तो इस तरह का जवाब कोई और ले सकता है सिवाय मासूम के? तो इमाम ने गोया इस सवाल से दुनिया को महबहरत कर दिया। वो जो सवाल कायम करके लेके आए थे या लाया गया था, उसको तो जाहिर के ऐसे न सवाल सुने थे न कभी इल्म में ये बातें आ सकती थी। सवाल भी इमाम ने कायम किया, जवाब भी इमाम ने दिया। बताया ये कि हम जानते हैं कि शरीयत क्या है, अहकाम क्या है, दीन क्या है, हमसे पूछो। अब यही इल्म था कि जो सबक बना बुक्स, और बुक्स जाहिर के इनके इल्म कमाल की वजह से इसलिए था कि इनको यूं काबू में नहीं किया जा सकता। जनाब इमामत को कुल कर तो हो सकता था इनसे, जो इन्होंने किया भी है। चुनाचे आपको मालूम है उम्मुल फज़ल ये लावलत थी, इसके कोई औलाद नहीं थी इमाम से, क्योंकि इमामत की नस्ल आगे बढ़ती है पाक रहमों की वजह से। ये मलूना थी, इसको इमाम की सुकूनत नहीं करार दिया खुदा ने, बल्कि फिर इमाम तशरीफ ले आए मदीने। मदीने आने के बाद 18 बरस के सिर में इमाम ने जनाबे समाना से अब किया, उनसे औलाद हुई, तो इमाम अली नकी इमाम और जनाब मूसा एक और भाई हैं इमाम अली नकी के, वो और जनाब फातिमा इन औलादों का जिक्र आज भी मैंने पढ़ा है। ये तीन औलादों का जिक्र है जनाब समाना, और भी औलादे हैं और भी अजवाज हैं, उन तमाम बातों का तस्करा करना नहीं है। बारह तो इमाम अली नकी अपनी दादी के साथ मदीने में, फिर इमाम को बगदाद वापस बुलाया जाने लगा, तो ये मलूना साथ हो गई और बड़ी खुश थी कि मुझे फिर बगदाद जाना पड़ रहा है और अपने बाप के पास जाऊंगी और इमाम से बदला लूँगी। चुनाचे इसके दिल में जो बुक्स था वो बुक्स तो अपना असर दिखा चुका। चुनाचे मामून मोतसम ने, तारक मामून मर गया था, मोतसम था, तो मोतसम ने इमाम को जहर दिलवाया इसी मलूना के। चुनाचे जिस वक्त जहर दिया गया इमाम को, रवायत कहती है कि 7-8 बरस का ही सिन था इमाम अली ने भी था, इमाम मदीने में थे, इमाम ने अपनी दादी से एक बार आसमान की तरफ देखा बगौर, और देख के आंखों में आंसू लाते हुए दायरे के एक माँ को बेटे की शहादत का कैसे जिक्र किया जाए। इमाम अली नकी ने कहा कि दादी अम्मा, न जाने क्यों मेरा दिल रो रहा है, मेरे बाबा को आज जहर दे दिया गया। हाय हाय हाय। इमाम मोहम्मद तकी जवाद की वालिदे गिरामी ये जानती हैं कि बेटा किस सिम में है,
25 वर्ष का सिंह जवान बेटा है मेरा। बेटा तुम क्या कह रहे हो, मेरा बेटा तो जवान है, उसे क्यों कर कोई जहर दे सकता है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि दादी अम्मा वो फरिश्ता जो खास मखसूस है इमाम के साथ रहने पर, इमाम के साथ उसे मामूर किया गया है, वो इमाम ही के साथ रहता है, वक्त का इमाम जो भी हो, वो मेरे बाबा के साथ जो फरिश्ता रहता था वो मेरे पास आ गया और उसने आके कहा है कि आप हुज्जत खुदा है आपसे, मैं आपके पास आ गया हूँ, लिहाजा वो फरिश्ता आ गया है, मेरे बाबा को जहर दे दिया गया। अब आप सोचे जवान बेटे की माँ, आप गौर करें शहजादे अली अकबर जिस वक्त रुख्सत हो के मैदान में गए, इमाम हुसैन ने जनाबे लैला से कर लैला जाओ खेमे में और अपने बेटे की फतहयाबी के लिए दुआ करो, क्यों इमाम जानते थे कि घोड़े से जवान बेटे का जमीन पर गिरना माँ नहीं देख सकती, एक माँ जवान बेटे का गम कैसे बर्दाश्त करे, इसीलिए इमाम ने लैला को खेमे में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जब ये जिक्र किया तो इमाम की दादी ने सवाल किया कि फिर गुस्ल कफन कौन देगा, मेरे बेटे को दफनाएगा कौन, मैं जाऊंगा दादी अम्मा, मैं बज़ाहिर मनसबे इमामत का वायद हुआ हूँ तो मैं बाएजादे इमामत जाऊंगा अपने बाबा को गुस्ल कफन दूंगा। हाँ होता यही है कि दुनिया में कहीं भी कोई औलाद हो, अरे बाप के आखिरी नहीं मालूम किस मासूम से मस हो के हवा आता है। तो ये मजलिस शिफा का शिफा खाना है, यहाँ कोई बीमार नहीं हो सकता, फिर भी हम दुआ करते हैं, क्यों, इसलिए कि मजलिस बदनाम ना, ये खास तौर पर याद रखें आप, मजलिस
यूं भी बदनाम नहीं हो सकती, खुदा का वादा है, खुदा ने वादा किया है कि आए हुसैन तू मेरे जिक्र को बाकी रखा है, मैं तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा। सो वे कयामत तक की अदादारी आप हम न करें, घरों में बैठ जाएं तब भी अदादारी होगी, कभी रुकने वाली नहीं है। हम महरूम हो जाएंगे अगर फर्श अदा तक नहीं आएंगे। हिम्मत कीजिए, इसलिए कि मजलिस में आने के बाद फिक्र न कीजिए, अगर मौत आनी है तो फिर इससे बेहतर मौत होगी। जो फर्श अदा पा जाए और बावजू आप रहते हैं, आप बावजू बेहतरीन इबादत करते हुए दुनिया से जाएंगे, इससे डर खौफ खाने की जरूरत नहीं। खौफ ही की वजह से मोमिनीन बहुत ज्यादा हलाक मर रहे हैं, तो गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये बीमारी हुई हो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, कि जिनकी रिपोर्ट बाद मरने के नेगेटिव हुई, बगैर गुस्ल के उनको दफन कर दिया गया। बहुत सी बातें हैं, बहुत से बातें इस सिलसिले में भी कहनी चाहिए थी, मगर चूँकि आज मौजूद था इमाम का, इसलिए मैंने सिर्फ मुख्तस लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त भी मैंने नहीं लिया, मगर ये कि फिर भी बहुत ज़्यादा मौके है, इतना वक्त मैं नहीं लेता, आप सब जानते हैं, 40 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोलता, मगर ये कि पर मुझे था ऐसा कि कई शवे चार शंबा हमारे नागा हुए हैं, मजलिस नहीं हो पाई थी, इसलिए आज थोड़ा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया। और हम रह गए कितने शवे चार शंबा, रह गए तीन चार रह गए हैं, उनमें शायद एक आपको जश्न भी रहेगा एक या दो तारीखों की मुनासिबत से, तो लिहाजा तकलीफ बहुत कम हो पाएगी, इसीलिए मैंने सहमत दी आपको, आप इस जिक्र में मुनहमिक रहें। और ये बेहतरीन दौर है कि फर्श अदा पा के बैठें, इससे महरूम न हो, जब बाहर रहने के आदि हैं वो भी फर्श अदा पा जाए। यही सब कुछ बातें हो सकती है कि ऐसे हालात पैदा कर चुकी हैं। आप गौर कीजिए कि जो बात कही जा रही है, जहाँ तक आम इंसान का जहन नहीं जा सकता, उन्हीं के लिए ये बातें कही जाती हैं। ये तमाम बातें बहरहाल तकलीर का हिस्सा है, मैंने जहमत दी आपको, और ये जहमत नहीं है, पर बहरहाल के सदमे में बताया, हम सबको शिफायाब फरमाए। और जो इसमें इस वक्त बीमार हैं और जो मोमिनीन मोमिनात घरों में दे रहे इलाज दवाखानों में शरीक हैं, बशमूल दिया, इन तमाम को खुदाया शिफायाब फरमाए और हमारे महरूमिन की मफ़रत फरमाए। जो रोजगार के सिलसिले में परेशान हैं, खुदाया करबला वालों की भूख और प्यास के सदमे में, और बिलखसूस बानी मजलिस के फर्जन सैयद हाशम अली रजवी और सैयद हुसैन अली रजवी, ये दोनों फर्जंदान इनके एक साथ तो रेट में है, जो इन दिनों परेशान है, बहरहाल करबला वाल मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है, बेशक उम्मीद बाकी रहे, अहले बैत का दामन हाथ में रहे और जमाने के इमाम को पुकार, वो जामिन है। रिस्क बहरहाल आपके दुनिया में आने से पहले आपका रिस्क मुहैया हो चुका, अब दे के लेने वाला नहीं है, हालात हैं तब्दील होते रहते हैं, बहरहाल उतार चढ़ाव तो है ही, जिंदगी के नशे को फराज है ही, मगर ये कि परेशान न हो, उम्मीद का दामन न छोड़े और मायूसी न हो। बहरहाल हमारे हाथ में ऐसों का दामन है कि मसलहत वो जानते हैं, मनशाए खुदा वो जानते हैं, जो भी हालात हो, नशे के बाद फराज जरूरी है। अगर इंसान दौड़ करे, उतार आती है तो फिर चढ़ाव भी जरूरी है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सब बातें ध्यान में रखिए। तो इन बातों को याद रखिए, और जिन बहुत से नौजवान बेरोजगार हुए हैं इस वबा के चलते हुए, तो उनके लिए भी दुआ है कि बैरूनी ममालिक में जितने मोमिनीन मोमिनात जो जो बेरोजगार हुए हैं, उन तमाम को बेहतरीन रोजगार, जो रोजगार रखे हैं, जो तजारत पेशा मोमिनीन है, उनके रिस्क में खैर बरकत ही ना है। हमारे दिलों में विलाए मोहम्मद वाले मोहम्मद हर नफस यहाँ कोई हमारे ईमान के दिलों में ताजी फरमाए।
हम कुल के आवान अनुसार जो शुमार फरमा हमारा खातिमा ईमान पर सबके शब शहादत है ज्यादा मजलिस के साथ फातिहा पढ़ी करें।